हेलो, मायसेल्फ सोनिया सिंह, वेलकम टू सोनिया किचन। चलो आज एक नई रेसिपी और बताती हूँ मैं आपको। मिंस्ड बॉर्श सूप, मटन कीमा ले ली, मटन कीमे का, कच्चे कीमे का सूप जो 5 मिनट्स में बनेगा और अमेजिंग बनेगा। कम ऑन, लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट मेकिंग। ये देखिए, ये है हमारे पास 250 ग्राम्स ऑफ कीमा, जिसको मैंने और अच्छे से फाइनली मिंस कर लिया है, मिक्सी में डाल दी। वी टेक इट आउट इन अ बाउल। इसको हम फटाफट से एक बाउल में निकालते हैं। इसमें हम डालेंगे जो अपनी चीजें, मेरे पास सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे एग्स, इसमें डालेंगे सॉल्ट, ये गार्लिक और ग्रीन चिलीज का मिंस किया हुआ रखा हुआ है। ये है हमारे पास कॉर्नफ्लावर, ये है मैदा, ये है थोड़ा सा हमारे पास अजीनोमोटो, एंड दिस इज डार्क सोया सॉस, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। ये कीमे को हमने मिंस को अच्छे से इसमें मिक्सी में मैश किया है। अब हम इसमें तोड़ेंगे एग्स। ये है 250 ग्राम कीमा हमारा, जिसमें हम इसमें 2 to 3 इसमें हम एग्स डाल सकते हैं, 2 or 3, राइट? अब इसमें मैंने 3 eggs डाल दिए हैं। Here we go. Now we add little bit of salt. सीजन करना है इसको, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से सीजन करते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये minced garlic and green chilies. ये देखिए, एक टीस्पून भर के हीट डालना है हमने। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, अजीनोमोटो, दैट्स इट, नॉट मच, एंड 2 to 3 स्पून ऑफ, ये डल गया हमारा कॉर्नफ्लावर, और ये है हमारा मैदा, जितना कॉर्नफ्लावर उतना ही मैदा, राइट? अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। सी, वी मेजर एंड देन वी विल पुट। इसमें नमक उसी हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो बहुत ज्यादा हमको डार्क ब्लैक नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी डार्क सोया सॉस है। अब इसको हमने जो मिक्स करना है ना, ये हैंड से किया जाएगा, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और इसको बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। हाथ से ही होगा, ये मिक्सर से या हैंड ब्लेंडर से नहीं होगा मिक्स अच्छे से। सी, दिस इज द वे वी हैव टू मिक्स विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स इनसाइड। और उधर हम 2 मिनट के लिए, जब तक हम इसको रेडी करते हैं, हमने बाउल में पानी गर्म होने के लिए रख देना है सॉल्ट डालकर, बस। और पानी रखना है अपने कीमे के हिसाब से, कितने बाउल्स हमको सूप चाहिए उसी के हिसाब से हम पानी इसमें डालते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से बीट करना है, ताकि हमारा जो अंडा है इसके अंदर इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाए कि हमारे जो बाउल बॉल्स बनाएंगे इसके, वो ना टूटे। दिस इज हाउ वी हैव टू बीट। पानी रखा था नमक डाल के खोलने के लिए, हमारा पानी गया है खोल। अब इसमें हम ये बॉल्स बना के इसमें डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल नहीं टूटेगा ये बॉल, और विद इन 5 मिनट्स हमारा सूप भी रेडी हो जाएगा। ये सी हाउ वंडरफुली दे आर बीइंग मेड। See.
ज़ाल नहीं है कि एक भी टूट जाए या बिखर जाए, nothing of that sort. Be carefree and then make balls and put it in the water. Itself it will leave its color. Here we are. See, it is all over. Let it simmer for 5 minutes. Meanwhile, our soup will be ready. Now I'll take you to show how we make the garnishing of this soup. That is just like a sauce of vinegar. Okay? Now we make sauce, and that is known as seasoning for the soup. This is 1 cup of vinegar, white vinegar we take. This is again that garlic and green chili paste. So we use this. Right? And then we put a pinch of salt. We don't put much of salt. We have to add sugar into it. So what we do, so that इसमें dissolve हो जाए अच्छे से, sugar को हम grind कर लेते हैं. जैसे कि 1 cup इसके लिए मैंने इसमें 1/2 cup sugar को dissolve कर ली, grind कर लिया है, और इसमें डाल देंगे हम. And pinch of ajinomoto, pinch of ajinomoto. That's it. ये इसमें फटाफट डिसॉल्व हो गई, क्योंकि खड़ी शक्कर इसमें अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी. अगर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो इट विल डिसॉल्व वेरी सून. नाउ लेट्स टेस्ट. अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज डन. एंड लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट अबाउट आवर सूप, इज इट डन और नॉट. कम ऑन, लेट्स सी. Amazing, my soup is done. The balls are done. ना ये कच्ची हैं, ना ये ऐसी रहेंगी. मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी balls बनी हुई हैं. I will take it out in a bowl. ये देखिए, ये देखिए हमारा ये soup, ये देखिए, और ये इसकी bowl. ये देखो जो bowl बनाया था हमने, देखिए कितनी बढ़िया तरह से ये टूट रहा है. Soft as ever. Without breaking. And to this we have to add little bit of our seasoning. Here it is. We go like this. That's it. Little bit. And the soup is ready. Amazing soup. Come on, you also try and enjoy the taste of the minced ball soup. Thank you.